खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर सेवन सी न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मछली शहर लोकसभा सांसद रामचरित निषाद द्वारा बांटे गए रेडियो का अपना दल यश मड़ियाओं के विधानसभा अध्यक्ष अजय पटेल व विधानसभा महासचिव सभाजीत पटेल और उनके साथी कार्यकर्ताओं द्वारा जमालापुर चौराहे पर सांसद द्वारा आवंटित किए गए रेडियो को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक पटेल। खबर सेवन सी से आइए हम आपको ले चलते हैं जमालापुर में। हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अजय पटेल जी हैं और विधानसभा के महासचिव हमारे भाई साहब सभाजीत पटेल जी हैं। आइए मैं सर जानकारी चाहता हूँ, कल जो घटना हुई यहाँ पे चौराहे पे, जो इन्होंने यहाँ पे कल रेडियो को जलाया, क्या इनके अंदर क्या भावना थी, इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? क्योंकि इन्हीं की पार्टी, गठबंधित पार्टी जो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है अपना दल यस का, अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये इतना दुखी क्यों हुए और ऐसा ये द्वेष में या किस गुस्से के कारण इन्होंने कार्य किया? आइए मैं इन्हीं से जानना चाहता हूँ। अजय जी आप बताएं क्या कारण था सर? देखिए, हम लोगों के विरोध का कारण ये था कि हम लोगों के पार्टी में ये षड्यंत्र डाला जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो, आपस में टकराव हो। 400 कार्यकर्ता हैं, अगर बीजेपी के हर बूथ अध्यक्ष को सोलर लाइट और रेडियो दिया जा सकता है तो हमारे मणियाओ विधानसभा के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया जा सकता? तो इसमें इन्होंने 5 रेडियो दिया तो हमारे कार्यकर्ताओं में मैं 5 रेडियो किस कार्यकर्ता को दूंगा? कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में ये आता है कि भैया ने या विधानसभा अध्यक्ष जी ने कुछ चीज़ों को छुपाया है, अपने पास रख लिया है या बेच दिया है। कई लोग तो ये भी सोचते हैं। बहरहाल कल से जब ये चीज़ें शुरू हुई, आज सुबह ही हमारे यहाँ एक सोलर लाइट, अब एक सोलर लाइट भिजवाने का क्या मतलब है? तो ये मुझे बताएं कि क्या ये कार्यकर्ता हैं जितने आपके 400 कार्यकर्ता बता रहे हैं यहाँ पे हैं, तो 400 कार्यकर्ता क्या अपना दल और बीजेपी दोनों को मिला के हैं कि केवल स्पेशली? ये इसमें सिर्फ अपना दल एस के कार्यकर्ताओं की मैं बता रहा हूँ कि 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता है, मैं नंबर नहीं बता पाऊँगा कन्फर्म। हाँ, 400 से ज़्यादा हैं। 345 तो अपने यहाँ बूथ हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, इसके बाद सेक्टर अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब ये है कि सांसद जी से हमने कई बार कहा, उन्हें हमने एक लिस्ट भी दी थी सोलर लाइट के लिए, वो उनके ही कहने पे कि उन्होंने जो कहा था कि हम इतना अवेल करा पाएंगे, उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि सोलर लाइट की व्यवस्था बता रहे हैं आप जो मिला है, तो कितनी सोलर लाइट आपके कार्यकर्ता आपको कितना आवंटित हुआ कि आप इतने गाँव में जाके सोलर लाइट लगाइए, तो कितने आपको आवंटित हुए थे आपके?